उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाव, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म उर्दू में आपका खैर मकदम है। कहते हैं कि मुशायरे की कामयाबी में शोरा का जितना हाथ होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी नाज़िम मुशायरा की होती है। निज़ामत एक फ़न है और इस फ़न में महारत रखने वालों में एक मोतबर नाम शफीक आबदी का है। शफीक आबदी साहब का ताल्लुक कर्नाटक के अलीपुर से है, इस नस्बत से उनका पूरा नाम शफीक आबदी अलीपुरी है। शफीक आबदी एक शायर के साथ साथ बाकमाल नाज़िम भी हैं। आपने हिंदुस्तान भर में अपनी शायरी और निज़ामत से मुशायरों को एक विकार अता किया है। लाल किले के मुशायरे की निज़ामत का शरफ भी आपको हासिल है। आपकी शायरी आपके कारी और सामई को एक पैगाम देती है, तो आइए सुनते हैं जनाबे शफीक आबदी अलीपुरी को। हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूँ मैं, हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूँ मैं, जमीन वालों को शक है कि आसमान हूँ मैं। बहुत अच्छा है। हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूँ मैं, जमीन वालों को शक है कि आसमान हूँ मैं। उस्ताद शोरा तशरीफ फरमा है, एक शेर पेश कर रहा करने की जसारत कर रहा हूँ कि हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूँ मैं, जमीन वालों को शक है कि आसमान हूँ मैं, कोई लिखे तो अदालत का एक फसाना हूँ, कोई लिखे तो अदालत का एक फसाना हूं, कोई पढ़े तो मोहब्बत की दास्तान हूं मैं। हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूं मैं, जमीन वालों को शक है कि आसमान हूं मैं, कोई लिखे तो अदालत का एक फसाना हूं, कोई पढ़े तो मोहब्बत की दास्तान हूं मैं। अब परखने आखिरी शेर दरा इस गजल का, क्या परखने वालों की नजरों पर मुनहसिर सब कुछ, परखने वालों की नजरों पे, परखने वालों की, परखने वालों की नजरों पर मुनहसिर सब कुछ, कभी यकीन की मंजिल कभी गुमान हूं मैं। परखने वालों की नजरों पर मुनहसिर सब कुछ, परखने वालों की नजरों पर मुनहसिर सब कुछ, कभी यकीन की मंजिल कभी गुमान हूं मैं। और एक गजल के चंचर देखें, इसका एक अंदाज देखें कि तख्त चाहा न कभी मसनदे शाही चाही। अगर मैंने रदीफ के साथ इंसाफ किया है तो बिलखसूस असातिज़ा की और शोरा इकराम की दाद मेरे लिए सनत का मुकाम रखेगी कि तख्त चाहा न कभी मसनदे शाही चाही, हमने दुनिया से फकत खैर निगाही चाही। तख्त चाहा न कभी मसनदे शाही चाही, हमने दुनिया से फकत खैर निगाही चाही, और झूठ के बल पर कोई वक्त का फर्जंद हुआ, झूठ के बल पे कोई वक्त का फर्जंद हुआ, हमने सच बोल के खुद अपनी तबाही चाही। झूठ के बल पर कोई वक्त का फर्जंद हुआ, हमने सच बोल के बस अपनी तबाही चाही, हमने सच बोल के बस अपनी तबाही चाही। और देखिए शेर, देखिए इस शेर पर खास तवज्जो इसलिए कि अहले तसव्वुफ का मजमा है कि दार का खौफ नहीं, दार का खौफ नहीं, दार का खौफ नहीं फिर भी जमी वालों से, दार का खौफ नहीं फिर भी जमी वालों से, जो सदाकत पर हो मबनी वो गवाही चाहिए। दार का खौफ नहीं फिर भी जमी वालों से, दार का खौफ नहीं फिर भी जमी वालों से, जो सदाकत पर हो मबनी वो गवाही चाहिए। और इश्क की रह में
जफर याबी की हसरत लेकर, इश्क की राह में, इश्क की राह में जफर याबी की हसरत लेकर हमने हर दौर में ताईद इलाही चाही। इश्क की राह में जफर याबी की हसरत लेकर हमने, इश्क की राह में जफर याबी की हसरत लेकर हमने हर दौर में ताईद इलाही चाही। इस शेर के काफिये पर तवज्जो, क्या कभी तुमसे मोहब्बत नहीं चाही हमने, क्या कभी तुमसे मोहब्बत नहीं, क्या कभी तुमसे तुमसे मोहब्बत नहीं चाही हमने। उसकी आवाज ये आई कि हाँ चाही चाही। क्या कभी तुमसे, क्या कभी तुमसे मोहब्बत नहीं चाही हमने, क्या कभी तुमसे मोहब्बत नहीं चाही हमने। उसकी आवाज ये आई कि हाँ चाही चाही। उसकी आवाज ये आई कि हाँ चाही चाही। और जंग लड़ते रहे दरपेश मसाइल से शफीक, इसका मिसरा लग गया हो तो उस्ताद सरपस्ती चाहूंगा के जंग लड़ते रहे, जंग लड़ते रहे दरपेश मसाइल से शफीक, हमने दुनिया से कहां पुश्त पनाही चाही। जंग लड़ते रहे दरपेश मसाइल से शफीक, जंग लड़ते रहे, जंग लड़ते रहे दरपेश मसाइल से शफीक, हमने दुनिया से कहां पुश्त पनाही चाही, हमने दुनिया से कहां पुश्त पनाही चाही। तख्त चाहा न कभी मसनदे शाही चाही, हमने जालिम से फकत खैर निगाही चाही।